दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर का सेशन जो है आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है और डेली आपको इंपॉर्टेंट 10 प्लस यानी 10 से 11 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं डेली करंट अफेयर के वो आपको यहाँ पर अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों वो आपके 10-11 पॉइंट होंगे वो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी आपकी जो भी परीक्षा होने वाली है, चाहे वो BPSC का हो या फिर NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, सभी के लिए वो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे या डेली आप केवल आप 10 मिनट या 5 मिनट आप दे देंगे इस वीडियो के लेक्चर के लिए, तो आपके डेली 10 से 11 करंट अफेयर जो हैं वो आपके तैयार होते रहेंगे और आपकी जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, दोनों लैंग्वेज में आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो आपके पॉइंट्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर दिए रहेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये लेक्चर ले रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर बैठें और हमेशा नोट डाउन करते रहें। आपके 10 से 11 पॉइंट्स केवल होंगे, आपको 5 मिनट से यहाँ नहीं लगेगा पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने में और सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करने में। उसको आप नोट डाउन कर लें ताकि बाद में रिविज़न करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आपको एग्ज़ाम सबके नज़दीक आते हैं तब वो करंट अफेयर खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है। फिर आप जो है पत्रिका लेकर आते हैं या फिर जो मैगजीन्स आती हैं, चाहे वो मंथली हो या फिर 6 मंथ के हों, फिर आप उसको रटते हैं पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे केवल डेली आप 10 मिनट आप देंगे तो आपके डेली के करंट अफेयर्स हमेशा प्रिपेयर होते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के टाइम पर आपको कोई बर्डन नहीं फील होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और ईज़िली आपका जो करंट अफेयर है वो पूरा पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। तो आज 14 अक्टूबर 2020 है, चलिए आज के जो इंपॉर्टेंट 10-11 पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जो नए हैं अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमेशा से करंट अफेयर के जो लेक्चर हैं उसको सुबह आपको 8 से 9 बजे के बीच में मिल जाया करेंगे, उसको आप देख लिया कीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं करंट अफेयर के पेज पर और आपको दिखाते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट्स आपके सामने देखिए आ चुके हैं। पहला आपका पॉइंट है, द रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस हैड डिसाइडेड टू अवार्ड द 2020 स्वेरिक्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल टू पाउल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। तो रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने आर्थिक विज्ञान में 2020 का सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में पाउल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों के सुधार के लिए देने का फैसला लिया है। तो फिर आपके जो यहाँ पे नीलामी के सिद्धांत है और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के सुधार के लिए जो ये आपका अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार है उसके देखिए स्मृति में यहाँ पे पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को यहाँ पर ये जो आविष्कार के सुधार के लिए पुरस्कार है वो यहाँ पर देने का फैसला लिया गया है, जो कि सेवरिक्स रिक्स बैंक अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में लिया गया है और ये आपका आर्थिक विज्ञान में 2020 के रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने फैसला लिया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड ए कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹100 इन ऑनर ऑफ विजया राजे सिंधिया ऑन 12 अक्टूबर 2020 थ्रू ए वर्चुअल सेरेमनी। तो इसके देखिए हिंदी में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम में विजया राजे सिंधिया के सम्मान में ₹100 का स्मृत सिक्का जो है वो जारी किया है। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो आपको छोटे छोटे एग्जाम्स होते चाहे वो NTPC के हों या ग्रुप डी के हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये काम आएगा। पॉइंट नंबर 3 देखिए कहा है क्या है, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डेडिकेटेड 44 ब्रिजेज मेड बाई द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज टू द नेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो रक्षा मंत्री यहाँ पर राजनाथ सिंह हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा बनाए गए 44 पुलों का यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से COVID-19 को देखते हुए यहाँ पर 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीमा सड़क संगठन यानी BRO जो आपका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको यहाँ पर 44 पुलों को जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड अंडर स्वामित्व स्कीम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंटरेक्टेड विद द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। आपको पता है दोस्तों काफ़ी देर से चर्चा में चल रहा है, अगर हम देखेंगे तो काफ़ी टाइम से चल रहा है और देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया और योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की।
जो सब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपके यहाँ पे लॉन्च किया है और देखिए शुभारंभ किया है संपत्ति कार्ड का, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का, और इसके जो है दोस्तों लाभार्थियों से बातचीत भी किया और इसका प्रॉफिट क्या होने वाला, फ़ायदा क्या होने वाला है, जो भी गरीब हैं या फिर जिनके आपके अभी प्रॉपर्टी के कागजात तैयार नहीं है सबको यहाँ पे एक कार्ड मिल जाएगा, कागज़ मिल जाएगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसका लेखा जोखा क्या है ये गवर्नमेंट भी रख सकेगी आसानी से, इसीलिए ये आपका लॉन्च किया गया है। पॉइंट नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या है आपके सामने यहाँ पर, एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर सेड दैट ऑल 8 बीचेस रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट हैज गॉट द कोवेटेड इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार द्वारा अनुशंसित सभी 8 समुद्र तटों के बीच को, जो कि समुद्र तट के बीच है, उसको अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। और देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है यहाँ पर दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं और देखिए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं तो इन टेनिस, यहाँ पर देखिए टेनिस के बारे में बात की जा रही है, आपको पता होगा इन टेनिस राफेल नडाल बीट नोवाक जोकोविच 6-0, 6-2, 6-7, 5-2 विन हिज 13th फ्रेंच ओपन एंड इक्वल रोजर फेडरर ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल। यहाँ पर दोस्तों राफेल नडाल ने जो है जो अपना ये खिताब था जो कि रोजर फेडरर के पास था, आज उसके इक्वली यहाँ पे बराबर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, टेनिस में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर अपना 13वां फ्रेंच ओपन जीता और रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 7 क्या है यहाँ पर देखिए, ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड राजस्थान हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा लॉन्च्ड इम्पैक्ट मोबाइल एप्लीकेशन टू मॉनिटर एक्शन टेकन अंडर द PCPNDT एक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे PCPNDT एक्ट क्या है देखिए, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी तो PCPNDT एक्ट के थ्रू अधिनियम की निगरानी के लिए एकीकृत प्रणाली इम्पैक्ट ऐप की शुरुआत की है। तो ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है कि इम्पैक्ट जो एप्लीकेशन है वो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका राजस्थान गवर्नमेंट जो हेल्थ मिनिस्टर हैं रघु शर्मा, इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका दोस्तों यहाँ पे थीम क्या था, अगर हम थीम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए सेव सो स्टॉप सोवर्निटी है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, क्या कहा जा रहा है आपके लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉप फोर्टिसाइड था और स्टॉप फोर्टिसाइड एंड डॉटर्स आर प्राइसलेस, ये इसका मेन थीम था, यानी भ्रूण हत्या को रोका जाए क्योंकि जो बेटियां हैं वो उनका कोई मोल नहीं है, वो एकदम अनमोल हैं, ये इनका मेन थीम था, इसीलिए यहां पर ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या है आपके सामने, इंडियाज़ वाइट बॉल कैप्टन हरमनप्रीत कौर एंड मिथाली राज एलॉन्ग विद देयर डबल डिप्टी स्मित मंधाना हैव बीन नेम्ड कैप्टन्स ऑफ सुपरनोवास ट्रेल ब्लेजर्स एंड वेलोसिटी स्क्वाड्स रिस्पेक्टिवली फॉर द अपकमिंग वुमेन T20 चैलेंज शेड्यूल फ्रॉम November 4 to November 9 इन द UAE। अनुभवी जो मिताली राज हैं, सलामी बल्लेबाज स्मित मंधाना और अपने आक्रामक तेवरों के लिए मशहूर हरमनप्रीत कौर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में 4-9 नवंबर के बीच होने वाले महिला T20 चैलेंज क्रिकेट प्रतियोगिता में क्रमशः वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर्स और सुपरनोवास की अगुवाई करेंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए इसको, क्योंकि वेलोसिटी ट्रेल ब्लेजर्स और सुपरनोवास की अगुवाई कौन करेंगी, तो इन तीनों का नाम यहाँ पे लिया जाएगा आपके ऑप्शन में ABC में तीनों का सेपरेट इंडिविजुअली नाम हो सकता है, मिताली राज, फिर होगा स्मित मंधाना और हरमनप्रीत कौर, फिर आपका होगा पॉइंट उपरोक्त सभी। तो आपको उपरोक्त सभी के ऑप्शन पर यानी ऑल एबव का ऑप्शन चूज़ करना होगा या 1, 2, 3 का ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, तो इस बात का ध्यान देना है। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम में। चैतन्य वेंकटेश्वरम फ्रॉम न्यू दिल्ली हैज़ हैड द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड एज द UK सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट इन इंडिया अंडर द मिशन इनिशिएटिव एम्ड एट एम्पावरिंग एंड हाईलाइटिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाई वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। दिल्ली निवासी चैतन्य वेंकटेश्वरम को भारत में ब्रिटेन की वरिष्ठतम राजनयिक बनने का मौका मिला। अब अगर देखिए भारत में ब्रिटेन की कौन सी वरिष्ठतम राजनयिक हैं, तो उनका नाम है चैतन्य वेंकटेश्वरन, जिनको भारत में ब्रिटेन की वरिष्ठतम राजनयिक बनने का मौका मिला है और दुनिया भर की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करने और महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन के पहल के तहत यह अवसर उनको दिया गया है। पॉइंट नंबर 10 देखिए आपके लिए क्या है, पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर हम देखते हैं तो अनंत कृष्णा फॉर्मर चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कर्नाटका बैंक लिमिटेड पास्ड अवे इन
मंगलुरु ही वाज 74। जो कर्नाटका बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत कृष्ण का जो है मंगलुरु में निधन हो गया है, वह 74 साल के थे। और इसके अलावा देखिए अगला पॉइंट क्या है आपके सामने, पॉइंट नंबर 11 अगर हम देखते हैं तो रोहित शर्मा बिकेम द सेकेंड प्लेयर टू हैव प्लेड 150 मैचेस इन द आईपीएल फॉर मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा जो है वो 150 आईपीएल मैच खेलने वाले मुंबई इंडियंस के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है आपके लिए, तो ये भी काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आज का आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपको देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि रोहित शर्मा जो है 150 आईपीएल मैच खेलने वाले मुंबई इंडियंस के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो फर्स्ट प्लेयर यहाँ पे कौन है, पहला खिलाड़ी कौन है जो अभी तक मुंबई इंडियंस के 150 आईपीएल मैच खेल चुका है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह डेली आप करंट अफेयर के लेक्चर्स को लेते रहें, आपका मुश्किल से 8 से 10 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और प्लीज़ कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहेगा ताकि एग्ज़ाम में आपको रिव्यू करने में बहुत ही आसानी होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट के साथ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए दिन में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।